हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स के अंतिम प्रहार के फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट करते हैं क्योंकि 14 तक हमको सीरीज पर जाना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने देख रखे हैं। इसके अलावा मेरी आप सबसे ये आशा भी है कि डिटेल वीडियो देखकर ही आप इस सीरीज को देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ईमेल मार्केटिंग। ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, ईमेल मार्केटिंग और उसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक जनरल बता देता हूँ। ईमेल मार्केटिंग अलग होती है, डिजिटल मार्केटिंग अलग होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग अलग होती है। अगर फेसबुक या ट्विटर या इंस्टा या यूट्यूब मार्केटिंग आपसे पूछ लिया जाए तो वो अलग कहलाएगी, वो सोशल मीडिया की कैटेगरी में आ गई। लेकिन ईमेल अलग है, डिजिटल अलग है, सोशल मीडिया अलग है और नॉर्मल मार्केटिंग अलग है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलती है तो वो अलग है। क्लियर हो गया। चारों की इंपॉर्टेंस अलग है, चारों के मेथड अलग अलग हैं, इसलिए थोड़ा सा जब भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो अच्छे से पढ़ के उस क्वेश्चन को लिखिएगा, आंसर को अच्छे से राइट कीजिएगा, कि ऐसा ना हो कि ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट्स अपन सोशल मीडिया मार्केटिंग में चल रहे हैं, है ना। थोड़े से पॉइंट ओवरलैप करते हैं लेकिन सारे ओवरलैप नहीं करते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़िएगा। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, जब भी हम हमारा जीमेल का इनबॉक्स खोलते हैं तो हमको बहुत सारे प्रमोशनल ऑफर्स दिख जाते हैं, कभी फ्लिपकार्ट से, कभी अमेजोन से, कभी किस वेबसाइट से, कभी किस वेबसाइट से हमको प्रमोशनल ऑफर्स आते हैं। वही एक तरीके की ईमेल मार्केटिंग है। बहुत से प्रमोशनल ऑफर स्पाम बॉक्स में भी चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम उनको एक तरीके का फ्रिक्वेंटली जो इस तरीके के मेल आते हैं, जीमेल उसको खुद फीचर देता है कि आप उसको स्पाम में चले जाए, और फिर खुद गूगल भी पैसे ले लेता है कि आपके डायरेक्ट मेल बॉक्स में जाएंगे, वो स्पाम में नहीं जाएंगे। बहुत से मेथड हैं जीमेल के अंदर उनको फिल्टर करने के, उनको हटाने के, अभी उन पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ईमेल मार्केटिंग का मतलब किसी की ईमेल आईडी पर अपना एक मेल सेंड करना जो अपना प्रमोशनल मेल हो, मार्केटिंग मेल हो। उसके अंदर हो सकता है कोई प्रोडक्ट की डिटेल हो, कोई स्पेशल ऑफर हो, कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन काइंड ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग इज ए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व सेंडिंग कॉमर्शियल मैसेज। कॉमर्शियल मैसेज, यहाँ पर आपको पॉइंट ये वर्ड याद रखना है, और प्रमोशनल कंटेंट टू ग्रुप ऑफ पीपल थ्रू ईमेल। ग्रुप ऑफ पीपल, एक जने को भेजा तो भी कहलाता है वैसे तो ईमेल मार्केटिंग, और बहुत सौ को भेजा तो भी कहलाता है, लेकिन अपन नॉर्मली अ ग्रुप ऑफ पीपल। की कंपोनेंट्स क्या है ईमेल मार्केटिंग के, सबसे पहला हमारे को क्या चाहिए, एक ईमेल की लिस्ट चाहिए, एक बंडल ऑफ द ईमेल्स चाहिए, यानी कि एक जने को भी भेज सकते हैं, लेकिन यूजुअली ईमेल मार्केटिंग जब करी जाती है तो एक साथ 10,000 मेल शूट किए जाते हैं। वैसे गूगल की लिमिट मैं आपको बता देता हूँ, जीमेल की 500 मेंबर्स की, अगर 500 को आप ज़्यादा भेजोगे तो वो आपको कह देगा भैया रुक जाओ कल भेजना, यानी 24 घंटे में आपको लिमिट भी कर देगा, ब्लॉक कर देता है। तो ईमेल मार्केटिंग इसकी बेसिकली लिस्ट है, तो ईमेल लिस्ट आपको समझ में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एक साथ 10,000, 20,000, 40,000 मेल्स पे शूट करते हैं, और वो मेल्स अधिकतर स्पाम बॉक्स में मिल जाते हैं अगर अपन ने उसको फ्लैग कर दिया, और नहीं कराए तो वो डायरेक्ट इनबॉक्स में लैंड होते हैं। तो ईमेल लिस्ट होनी चाहिए। सेकंड, ईमेल का कैंपेन होना चाहिए। कैंपेन का मतलब यहाँ पर कोई गोल, कोई एरिया, कोई मींस के कोई न्यूज़लेटर हो सकता है, कोई स्कीम हो सकती है, कोई मैगजीन का आर्टिकल्स हो सकता है, कुछ भी, मतलब एक रिलेटेड का कोई गोल को लेके अपन कैंपेन, कि चलिए 10% ऑफ होने वाला अपने प्रोडक्ट के ऊपर उसके लिए बनाते हैं, 20% ऑफ होने वाला है उसके लिए बनाते हैं, हमने ये नया प्रोडक्ट लाया है उसके लिए बनाते हैं, या अवेयरनेस के लिए बनाते हैं, या ब्रांड प्रमोशन के लिए बनाते हैं, या ब्रांड बिल्डिंग के लिए बनाते हैं। तो ये ईमेल कैंपेन के अंदर आ गया। पर्सनलाइज होता है ईमेल मार्केटिंग को, अपन पर्सनलाइज कर सकते हैं। पर्सनलाइज का मतलब अपन उसको डिफरेंट एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, अगर अपन ईमेल लिस्ट को क्लस्टर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपन पर्सनलाइज ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये एक पर्सनलाइज वाला डिजिटल में भी चलता है और किसमें, सोशल में भी चलता है, लेकिन ये ईमेल कैंपेन और ईमेल लिस्ट ये ईमेल में ही चलेगा, है ना। ऑटोमेशन में होता है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेशन का मतलब ईमेल ऑटोमेशन अलाउ मार्केटर टू सेट अप द प्री डिफाइंड ट्रिगर्स एंड रेस्पॉन्स डिलीवरिंग ईमेल ऑटोमेटिकली। मीन्स कि अब में प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप किसी भी क्लिक करा, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करा, उस पर हाइपरलिंक जनरेट होता है, वो आपको एक पर्टिकुलर दूसरे वेब पेज पे लैंड करा सकता है, जिससे वो पर्टिकुलर आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं या वो उनके ऑफर को अवेल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑटोमेशन की प्रोसेस में आ जाता है ईमेल मार्केटिंग। इसके अंदर मैनुअली वर्क बहुत कम हो जाता है। जैसे कि मैंने मेरे रिसर्च के टाइम पे कह सकते हो कि कुछ 20,000 बंदों को मेल करा था जो ई कॉमर्स के यूज़र्स थे। उस समय हमने डेटा लिया, उस डेटा को परचेज़ किया, उस डेटा को बाद उसके बाद मेल किया हमने। मेरी जब मेरी पीएचडी की रिसर्च चल रही थी तो ई कॉमर्स में मेरी रिसर्च है, मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूँ। तो ई कॉमर्स एरिया के अंदर मेरी रिसर्च है और मैं इस एरिया के अंदर मीन्स, इसलिए जो डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स बेसिकली अगर कहा जाए तो मेरा टॉपिक कुछ इसी तरीके से है, एनालिसिस ऑफ द ग्रोथ फैक्टर ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है,
तो हमने 20,000 बंदों को मेल किया था, ईमेल के हमारे को एक क्वेश्चनार फिलअप कराना था, उसका रिस्पॉन्स 4-5% रहता है, यानी कि 400-500 लोगों ने 10,000 में से फिलअप करते हैं। तो ये ऑटोमेशन पे था, मींस कि हमने मेल शूट किया, उसके अंदर गूगल फॉर्म अटैच था, जैसे ही बंदा क्लिक करता था एक गूगल फॉर्म जनरेट हो जाता था, गूगल फॉर्म पे वो सारी पॉइंट्स उसके फिल करता था, या नाम हो गया उसकी जो हमने क्वेश्चनार्स उससे फिलअप करवाने को मांगे वो उसने फिलअप करता था, फिर जैसे ही उसको सबमिट करता था हमारे पास वो मेल आ जाता था, और एज इट इज़ उसका डेटा भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता था थ्रू द टेबुलर प्रेजेंटेशन, थ्रू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, थ्रू द पाई चार्ट, सारी की सारी चीज़ें गूगल ऑटोमेशन पे कर देता है। तो ये ऑटोमेशन कहलाता है सेल्फ हो जाना। एनालिसिस एंड मेट्रिक्स अवेलेबल हो जाते हैं कि कितने बंदों ने वो मेल ओपन किया, कितने बंदों ने उस पर हिट किया, कितने बंदों ने वो बाय किया, क्लियर है। तो ये ईमेल मार्केटिंग का पॉइंट हो गया। अब सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो लो कॉस्ट होती है, फास्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, टारगेट एंड सेगमेंटेड अप्रोच हो सकती है, हमको पता चल जाएगा कि ये वाले ईमेल आईडी इस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग है। वैसे तो इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है, जैसे हमारी मेल आईडी है backupanandvyas123@gmail.com, अब मैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि वो सेगमेंट करके देते हैं, मींस कि जो भी डेटा बेच रहे होते हैं, ठीक है, इंक्रीज, और गूगल भी बेचता है तो वहाँ से भी आप डेटा बाय कर सकते हो। इंक्रीज कन्वर्जन रेट, जब डायरेक्ट किसी को अप्रोच होती है, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग है ना, डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या आता है, एक बंदा आता है आपके पास, आएगा और आपको बोलेगा सर ये प्रोडक्ट बाय करना नहीं करना, आप कहोगे ठीक है नहीं करना, अगले के पास जाएगा, तो इसमें कन्वर्जन रेट बढ़ जाती है प्रोडक्ट के सेल होने की, क्योंकि एक पर्टिकुलर बंदा आपको समझा रहा होता है। तो ईमेल के अंदर भी यही रहता है, एक टीवी पे ऐड चल रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को पसंद आ गया, मेरे को वो प्रोडक्ट बाय करना है, टीवी पे बहुत बढ़िया ऐड चल रहा है, मेरे को पसंद आ गया, मेरे को प्रोडक्ट बाय करना है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक दुकान पे जाऊंगा मानस चेंज होते हुए देर नहीं लगती। तो ये कन्वर्जन रेट प्रोवाइड करता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, फास्ट होता है, टारगेट मार्केट को कैप्चर करता है, ये इसके सिग्निफिकेंस है। डीमेरिट के अंदर एक नॉर्मल की एक टेक्निकल पार्ट है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, डाटा के ऊपर बेस्ड है, और सम डाटा के ऊपर बेस्ड है, और स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, और ऑलवेज ये जो पॉइंट है डेटा इज़ नॉट करेक्ट रिलायबल वैलिडेट, वो वाले पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, और कॉस्ट लगती है तो बजटेड पॉइंट लिख सकते हो, यही पॉइंट है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस याद रखिएगा, वैसे इंपॉर्टेंस ज़्यादा आती है इसलिए हमने इंपॉर्टेंस ही लिए। डीमेरिट के 2-3 पॉइंट जनरली चलते हैं, लाइक कॉस्ट लगती है, डेटा के ऊपर बेस्ड है, और यूज़र इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, आपके पास मेल आया आपने रिसीव ही नहीं किया, या दूसरे ने बंदे ने रिसीव किया, या आपने उसको डिलीट कर दिया बिना पढ़े, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए, इसके अलावा जो भेज रहा होता है उसको टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट होनी जरूरी है। तो 4 पॉइंट्स ये काफ़ी हो गए, ये चारों कॉमन चल जाएगा। अब ये चारों कॉमन चल जाएंगे, देखो डिजिटल में भी कॉमन चल जाएगा, ईमेल में भी कॉमन चल जाएगा, और सोशल मार्केटिंग में भी कॉमन चल जाएगा, ये सारे पॉइंट, कि कोई एड आया फेसबुक पे आपने स्किप कर दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए, अगले पे पहुंचते हैं और जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।